हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। मोस्टली स्टूडेंट्स ने करके भेजे हैं और वो सही है, परफेक्ट है। तो होपफुली आपका यूवी का जो फॉर्मूला है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, और ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को और देखना कैसे होता है, क्योंकि इसमें जो हमें x और y के वैल्यूज़ दिए हुए हैं वो पॉइंट में दिए हुए हैं। तो फर्स्ट आप देखिए, x दिया हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने है, y दिया हुआ है, और नहीं भी दिया हो तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट को x लेना है और सेकेंड को y लेना है आपको। इतना करने के बाद हमें एक एस्टिमेट भी करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ द एटीट्यूड ऑफ अ प्लेस इज 7 यूनिट्स, एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ इफेक्टिव ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, मींस वाई कैलकुलेट करना है, और हमें वाई ऑन एक्स करना है। क्वेश्चन में एक्स दिया हुआ है, ये रहा, ये आपको एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये एक्स है, और वाई कैलकुलेट करना है। और अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो आप ये समझ लीजिए कि आपको y ऑन x ही होगा, क्योंकि x ऑन y हमारे कोर्स से 3 साल पहले ही निकल चुका है। तो ये y ऑन x ही आपको कैलकुलेट करना होगा। सो क्वेश्चन के बाद अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। तो देखिए, मैंने x और y आपके सामने लिखे हैं, और यहाँ पर x बार जो आया है मेरा वो आया है 3, और y बार आया है 18.59। तो दोनों में से अगर कोई भी इंटीजर नहीं है, दैट मीन्स हम यू वी अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ y बार इज़ नॉट इंटीजर। y बार इंटीजर नहीं है, दोनों इंटीजर नहीं हो या दोनों में से एक इंटीजर नहीं हो तो भी हम यही करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि u इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। अब मैं यहाँ पर a अज्यूम कर रहा हूँ, सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर 3 अज्यूम कर रहा हूँ। a का मीन कितना है 3, और मैंने आपको बताया कि नियर बाय, मीन के नियर बाय में कुछ आप अज्यूम करना, और पॉसिबल हो तो मीन से थोड़ा छोटा अज्यूम करोगे तो भी चलेगा। सो 3 यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ u इज़ इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। अब यहाँ पर हमें v में तो पॉइंट दिया हुआ है, हम वो भी देखेंगे पॉइंट को कैसे सॉल्व करना है, पहले u ले लेते हैं। सो 0 माइनस 3 तो आंसर आएगा माइनस 3, 1 माइनस 3 तो आंसर आएगा माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2 एंड 3। और आप इसका टोटल करोगे, दैट विल बी आवर सिग्मा u, और ये टोटल 0 आ रहा है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे खास ध्यान से देखना, फिर से बता रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसे। नाउ v इक्वल्स टू y माइनस बी। अब b में मैं 18 ले रहा हूँ, सपोज कीजिए मैं 18 ले रहा हूँ, तो अगर मैंने 18 लिया तो आप माइनस करके देखिए, कैलची ले लीजिए आप हाथ में, 20.9 माइनस 18, आंसर क्या आ रहा है मैं भी करके दिखा रहा हूँ आपको, 20.9 माइनस 18, तो देखिए आंसर आ रहा है 2.9। अब हमें अगर पॉइंट में ले लिए तो उसका मल्टीप्लाई भी पॉइंट में हो जाएगा और स्क्वायर भी पॉइंट में हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, पॉइंट में नहीं लेना है। सपोज़ करो मैं 20.9 माइनस 18 करता हूँ तो 2.9 आ जाएगा। अब अगर मुझे 2.9 का पॉइंट हटाना हो तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ रफली, 2.9 में से पॉइंट हटाना हो तो मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो आंसर हो जाएगा 29। बट 10 से मल्टीप्लाई ना करके अगर 2.9 को पॉइंट 10 से डिवाइड कर दिया जाए तो भी आंसर 29 ही आएगा। आप करके देखिए, 2.9 डिवाइड बाय 0.10, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 0.10 से डिवाइड कर रहे हैं, मीनिंग एक ही है। तो अब यहाँ पर मुझे पॉइंट हटाना है,
तो पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या लूंगा, v इक्वल्स टू y माइनस बी डिवाइड बाय सी एक्स सी वाई सी वाई, और वो मैं सी वाई ले रहा हूँ 0.10, जैसे पॉइंट हट जाए। सी वाई लेने से ये पॉइंट निकल जाएगा। अब आप करके देखिए, तो आप करोगे कि 20.9, सो 20.9 माइनस 18 डिवाइड बाय 0.10, तो आंसर आ गया 29। हुआ क्लियर? तो यहाँ पर तो हमें सी वाई मिल गया कि हमने सी वाई जो ले लिया वो ले लिया 0.10। सेम यहाँ पर फिर से मैं कर रहा हूँ 20.1, सो 20.1 माइनस 18 तो आंसर आया 2.1। डिवाइड कर दीजिए 0.10 से तो ये हो जाएगा 21। तो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 21, 19.4 माइनस 18 14, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 14। अब टोटल करके देखते हैं, 29 प्लस 21 प्लस 14 माइनस 14, तो ये आंसर आया 41। तो यहाँ पर सिग्मा वी इक्वल्स टू 41। अब हमने जब यहाँ पर सी वाई लिया, तो हम जब बी का फॉर्मूला लिखते हैं तो बी के फॉर्मूला में चेंज क्या हो जाएगा कि अब हमें यहाँ पर सी वाई अपॉन सी एक्स लेना पड़ेगा। ये चेंज है इसमें। सी वाई अपॉन सी एक्स क्यों लेना है? तो ये कोरोलेशन में नहीं होता है। ये कोरोलेशन में आपने नहीं देखा था कि सी वाई सी एक्स ले रहे हैं तो कोरोलेशन में फॉर्मूला चेंज नहीं होगी, बट रिग्रेशन में फॉर्मूला चेंज हो जाएगी। अब सी वाई तो हमें पता है, हमने 0.10 लिया है, यहाँ सी एक्स तो हमने कुछ भी नहीं लिया। तो जब सी एक्स कुछ भी नहीं लेते हैं तो हम 1 अज्यूम कर सकते हैं। आप करके देखिए, 4 माइनस 3 अपॉन 1, तो अगर कुछ नहीं लिया है तो 1 लिया हुआ है आपने, तो क्लियर हुआ। यहाँ पर आई आपका सी वाई सी एक्स लेना है। अब आगे सेम, पूरा सम सेम होगा जैसे हम करते हैं, सिर्फ ये पॉइंट चेंज है। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप सी वाई और सी एक्स रिग्रेशन में ले रहे हो तो बी की फॉर्मूला चेंज हो जाएगी। आगे पूरा सम सेम होगा, सम में कोई चेंज नहीं है। करके देखते हैं, एन एन दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7। नाउ सिग्मा यू वी, अब हमें यू स्क्वायर और वी स्क्वायर कैलकुलेट करने हैं, तो यू स्क्वायर और वी स्क्वायर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। यू स्क्वायर 3 स्क्वायर होगा 9, 4, 1, 0, 1, 4 एंड 9, 9 एंड 1 10, 14, 14 एंड 14 28, तो ये आंसर आ गया 28। अब आप जहाँ यू वी कैलकुलेट करोगे वहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि u माइनस 3 है और v 29 है, सो 29 इंटू 3 माइनस 87। ट्वेंटी वन इंटू 2 माइनस 42, 1 इंटू 1 सॉरी 1 इंटू 14 माइनस 14, 0 माइनस 1 माइनस 14, 42 माइनस 42, और टोटल कर लेते हैं हम इसका 87, 42, 14, 1, 14 एंड 42, तो ये टोटल जो आ गया ये आया माइनस 200। ये हो गया हमारा सिग्मा यू वी माइनस 200, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज रखनी है हमें, एन 7 सिग्मा यू वी माइनस 200 माइनस सिग्मा यू 0 सिग्मा वी 41 डिवाइड बाय एन 7 सिग्मा यू स्क्वायर 28 माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर 0 स्क्वायर इंटू सी वाई। सी वाई हमने लिया है 0.10 और सी एक्स 1। अब हम सॉल्व करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यहाँ तक, इसे सॉल्व करने के बाद फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पर सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए आप,
तो ये कर दिया माइनस 200 इंटू 7 माइनस 1400 माइनस 0 डिवाइड बाय 196 माइनस 0 और ये सेम एज इट इज़। सो फाइनली माइनस 1400 डिवाइड बाय 196 इंटू 0.10 अपॉन 1। तो अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। सो 1400 इंटू 0.10 तो ये हो जाएगा माइनस 140 डिवाइड बाय 196। सो फाइनली आंसर आया माइनस 0.71। ये हुआ हमारा बी। अभी हमने बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। आगे के स्टेप्स सेम होंगे, हमें ए कैलकुलेट करना है और वाई ऑन एक्स कैलकुलेट करना है और उसके बाद एस्टिमेट करना है। सो नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। ये स्टेप वन हो गया। स्टेप टू, ए इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। अब वाई बार कितना आया है, तो वाई बार है 18.59 माइनस बी माइनस 0.71 इंटू एक्स बार 3। सो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2.13 एंड प्लस होगा 18.59। तो ए आया है हमारा 20.72। ये हो गया हमारा ए। सो फर्स्ट स्टेप बी कैलकुलेट हो गया, स्टेप टू ए कैलकुलेट हुआ। अब हम नेक्स्ट वाई कैप कैलकुलेट करेंगे। सो वाई कैप के लिए देखिए क्या करना है। स्टेप थ्री, वाई कैप इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। सो ए की वैल्यू आई है 20.72 प्लस बी का जो वैल्यू है वो है माइनस 0.71 इंटू एक्स। सो फाइनली होगा 20.72 प्लस माइनस माइनस 0.71x। ये हो गया वाई कैप स्टेप थ्री। अब हमें एस्टिमेट करना था। क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या एस्टिमेट करना था। जब x की वैल्यू देखिए, x 0 हो तो y 20.9 है, x 3 है तो y 17 है, x 6 है तो y 16.6 है। तो when x 7, अगर x की वैल्यू 7 हो गई तो y की वैल्यू कितनी होगी वो हमें एस्टिमेट करना है। सो हम कल एस्टिमेट करेंगे कि when x equals to 7, y equals to how much। तो ये हो जाएगा y cap is equals to 20.72 माइनस 0.71, x की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर 7। सो 20.72 माइनस 0.71 इंटू 7 4.97। तो ये जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 15.75। और देखिए आंसर का कोई यूनिट दिया हुआ है क्या, इन थाउजेंड, इन लैक्स या फिर इन परसेंटेज। तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर परसेंटेज है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15.75%। ये है वाई कैप एस्टिमेट है ये हमारा। सो क्लियर हो गया आपका। जब हम CX और CY लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है सेम, बट सिर्फ फार्मूला बी की सेम होगी और कोई चेंजेस होने वाले नहीं हैं। अब सपोज़ कीजिए कि कोई स्टूडेंट यहाँ पर CX CY नहीं ले रहा है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है 20.9 माइनस 18, आपने लिख दिया 2.9, तो क्या होगा ऐसी कंडीशन में क्या होगा। तो मैंने यही सम आपको दिखाने के लिए सॉल्व किया है और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थ्री हमने जो सॉल्व किया है, यहाँ पर मैंने CX और CY लिए हैं, यहाँ मैंने CX और CY नहीं लिए हैं, तो क्या डिफरेंस हो गया। अब देखिए, और सेम नंबर्स के साथ किया है। तो y की वैल्यू देखिए 20.9 माइनस 18, तो आंसर आ जाएगा 2.9। ये 2.9 लिखा है मैंने, होपफुली आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ये है 2.9। देन 20.1 माइनस 18 तो हो गया 2.1।
19.4 माइनस 18 तो आंसर आ गया 1.4। तो ये आपने आंसर्स देखे, ये पॉइंट में आ रहे हैं। अब पॉइंट में आएंगे तो क्या होगा, जब हम इनका स्क्वायर करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी पॉइंट में आएंगे। बस इतना डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। आगे वाला मैं सम दिखाऊं आपको तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर पॉइंट में नहीं आए हैं और यहाँ पर पॉइंट में आए हैं, लेकिन आप डिफरेंस देखिए क्या है। मैं दोनों में दिखा रहा हूँ डिफरेंस, डिफरेंस देखिए क्या है। यहाँ 29 है और यहाँ पर 2.9 है, यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 2.1 है। तो सिर्फ पॉइंट का डिफरेंस आएगा अगर आप सी एक्स सी वाई नहीं ले रहे हो तो। फिर आपके मल्टीप्लाई जो होंगे पॉइंट में आएंगे, स्क्वायर्स पॉइंट में आएंगे और कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैंने यहाँ पर सी एक्स सी वाई नहीं लिया, मैंने वी लिया, यू स्क्वायर किया, यू वी किया। अब फॉर्मूला देखिए, मैंने यहाँ पर सी वाई सी एक्स नहीं लिखा है, और अगर लिखूँगा भी तो यहाँ पर लिया नहीं है, नहीं लिया है मीन्स वन लिया है। मैंने आपको बताया अगर सी वाई सी एक्स नहीं हो तो हम वन एज्यूम करते हैं, और वन लिखूँगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पर एन की वैल्यू लिखी है 7, फिर सिग्मा यू वी माइनस 20, सिग्मा यू 0, सिग्मा वी 4.1 एंड सिग्मा यू स्क्वायर 28 माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर। अब ये कर जब मैंने यहाँ पर b सॉल्व किया है तो ये भी देखिए कि b की वैल्यू -0.71 आई है, और यहाँ पर भी देखिए कि b की वैल्यू -0.71 आई है। दैट मीन्स अगर आप सी वाई सी एक्स ले रहे हो तो भी -0.71, नहीं ले रहे हो तो भी -0.71। लेने से बेनिफिट क्या होगा कि आपके पॉइंट्स में आंसर नहीं आएंगे, ये जो मल्टीप्लाई है स्क्वायर्स हैं ये पॉइंट में नहीं आएंगे। और अगर आप सी वाई सी एक्स नहीं ले रहे हो तो पॉइंट्स आपके आएंगे, आपका बी तो सेम ही आएगा, एक्स बार भी सेम है, वाई बार भी सेम है। अब अगर यहाँ पर एक्स बार सेम है, वाई बार सेम है, तो आगे के स्टेप्स भी तो सेम हो जाएंगे ना, क्योंकि बी का फॉर्मूला अलग है। यहाँ पर ए भी उसी फार्मूला से फाइंड होगा, y कैप भी उसी फार्मूला से फाइंड होगा, एस्टिमेट भी उसी फार्मूला से फाइंड होगा। सो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। सो ये हमने सी वाई सी एक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर कवर किया। अगर आपको और थोड़ा क्लियर करना हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये ही लेक्चर फिर से एक बार रिपीट कर देखो, रिवाइज करो इसका। मैंने यहाँ लिया है सी वाई सी एक्स, सिर्फ हर एक में 0.10 से डिवाइड किया है, फॉर्मूला चेंज हो गया। यहाँ नहीं लिया है, यहाँ पे सारे पॉइंट्स आ गए, फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो आप यहाँ ले रहे हो तो यहाँ नहीं लेना है, मीन्स आपको पॉइंट, अगर आपने यहाँ 0.10 लिया है तो सी वाई सी एक्स करोगे, और यहाँ पर अगर नहीं लिया है तो ये सारे आपके पॉइंट में आ जाएंगे और यहाँ पर आंसर सेम आ जाएगा। सो होपफुली ये क्लियर हुआ आपका। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करवाऊंगा। नाउ आज का होमवर्क, तो पहले तो आप ये सब नोट डाउन करोगे क्वेश्चन नंबर 3 इस मेथड से, सी वाई सी एक्स से। फिर इसी मेथड से ये सम जहाँ पर मैंने पॉइंट नहीं लिया है, बी तक तो मैंने कर दिया है, इसके आगे के स्टेप्स आप कंप्लीट करोगे, जिसमें ए कैलकुलेट करना है, वाई कैप कैलकुलेट करना है एंड एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट आप करोगे, ये स्टेप्स आप आगे के पूरे करोगे इसमें। सो एक तो होमवर्क में आपको ये सम करना है, ये भी नोट डाउन करना, ये नोट डाउन करना है जो मैं आपको करवाता हूँ। तो ये आप नोट डाउन करोगे सी वाई सी एक्स वाला मेथड, ये सम आप कंप्लीट करके भेजोगे। अब मैं आपको आज का पूरा फुल सम दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। अब होमवर्क में आपको क्या करना है, दोनों मेथड से करके दिखाना है। एक बार आप सी एक्स और सी वाई लेकर करोगे, दूसरी बार आप नहीं लेकर करोगे, दोनों मेथड से करना ताकि आपके स्टेप्स क्लियर हो जाएं। अब यहाँ पर अज्यूम्ड क्या लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, अब मैं आपको लिखकर बता देता हूँ कि आप क्या अज्यूम करोगे। तो यहाँ पर आपको यू लेना है, u is equals to x minus a upon cx, so u आप लोगे x
माइनस ए, ए अज्यूम करना है आपको 90 और सी एक्स लेना है आपको 10। और दूसरा मैं आपको वी दे रहा हूँ, वी जिसमें वी इज इक्वल्स टू वाई माइनस बी अपॉन सी वाई, और आपको यहाँ पर लेना है वी इज इक्वल्स टू वाई माइनस बी। अब बी में आप क्या लोगे, तो ये पॉइंट में है तो आप यहाँ पर ले लीजिए 2.4 एंड सी वाई आप लेंगे 0.10। फिर आपको यहाँ पर करना है यू स्क्वायर एंड यू इन टू बी। तो ये सम आप सॉल्व कर कर भेजोगे। फिर से बता रहा हूँ, एक बार आपको सी एक्स सी वाई लेना है, मीन्स ये दोनों जो मैंने लिए हैं वो लेना है। अब यही सम आप सी वाई सी एक्स नहीं लोगे तो दूसरी बार जब आप ये सम करोगे तो यू इक्वल्स टू एक्स माइनस 90 लोगे, सी एक्स नहीं लोगे, एंड वी इक्वल्स टू वाई माइनस 2.4 लोगे और 0.10 नहीं लोगे। और अगर यहाँ सी एक्स सी वाई नहीं ले रहे हैं तो फार्मूला में भी नहीं लिखेंगे, और यहाँ लेंगे तो फार्मूला में लिखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 मैं फिर से बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथड है, बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। एक बार लेकर करके देखो, दूसरी बार नहीं लेकर करके देखो, दोनों मैथड क्लियर हो जाएंगे, दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कहीं पर भी आप क्वेश्चन में अटक रहे हो या एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आ रही है या समझ में नहीं आ रहा है क्या किया है, आपको आँख बंद करके y ऑन x करके आना है। आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि x ऑन y है या y ऑन x है, आपको y ऑन x करके आना है। फर्स्ट जो दिया हो उसे x ले लीजिए, सेकंड को y ले लीजिए, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है, मिसिंग है तो। लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी फर्स्ट को y, सेकंड को x लिया है तो आप ऐसे ही करना, अदरवाइज़ आप फर्स्ट एक्स और सेकंड वाई ले सकते हो। तो ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन थर्ड मैंने आपको करवाया, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको होमवर्क में दिया, ये रहा क्वेश्चन 5। अगर किसी स्टूडेंट के पास क्वेश्चन नहीं है तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको, नोट टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप क्वेश्चन 5 यहाँ से देख सकते हैं। ये होमवर्क करना है आपको, होमवर्क मुझे भी भेजना है, रेशम को भी भेजना है। और अगर कुछ नए स्टूडेंट्स हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं, तो वो आप मुझे मैसेज कीजिए या रेशम को मैसेज कीजिए, हम लोग आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो मेरा नंबर है 9712342616। आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। तो ये रहा आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन 5। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।